गोवा गोलीकांड के वीर शहीदों को ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। युवा गोलीकांड पर विशेष रिपोर्ट, वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्य जारी। देवरी रघुनाथ लागुरी, बुद्धराम लागुरी, अनिल लागुरी, सुनील लागुरी के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। झारखंड अलग राज्य अर्थात झारखंड आंदोलन वनों पर वनस्पतियों अधिकार एवं गुना खदान से निकलने वाली लाल पानी से प्रभावित बंजर हो रही खेतों को नुकसान पहुंचाने से रोकने आदि से जुड़ी घटना का उदाहरण है गोवा का गोलीकांड। झारखंड अलग राज्य अर्थात झारखंड आंदोलन वनों पर वनस्पतियों का अधिकार एवं गोवा खदान से निकलने वाली लाल पानी से प्रभावित व बंजर हो रही खेतों को नुकसान पहुंचाने से रोकने आदि मांगों से जुड़ी घटना का उदाहरण है गोवा का गोलीकांड। 8 सितंबर 1980 को हुए इस गोलीकांड में दर्जनों आदिवासी आंदोलनकारी व 5 बीएमसी बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान शहीद और दर्जनों घायल हुए थे, लेकिन आज भी गोवा गोलीकांड से जुड़ी शहीद वेदी पर मात्र 10 ही शहीदों का नाम दर्ज है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1980 के दशक में झारखंड आंदोलन के नाम पर सारंडा के जंगलों की भारी पैमाने पर कटाई सारंडा के बाहर से आए लोगों द्वारा निरंतर किया जा रहा था। जंगलों को मैदान बनाकर उस वन भूमि पर कब्जा करने का कार्य चल रहा था। वन विभाग निर्दोषों को भेजने लगा जेल। इसके अलावा गोवा वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए इस अभियान में शामिल लोगों समेत कुछ निर्दोषों को भी पकड़कर जेल भेजना प्रारंभ कर दिया था। हालांकि उस समय झारखंड अलग राज्य को लेकर पूरे राज्य में व्यापक आंदोलन चल रहा था, उसी समय ये कार्य भी सारंडा में झारखंड आंदोलन के नाम पर जारी था। इसके खिलाफ वन विभाग की ये कार्रवाई ने आग में घी डालते हुए दोनों कार्य में लगे लोगों को संगठित कर दिया। इन दोनों आंदोलनों के अलावा उस समय की इसको की गोवा खदान जो कि अब सेल है, उससे निकलने वाले लाल पानी से सारंडा के गांव की खेत तथा नदी नाले प्रदूषित हो गए थे। इससे भी सारंडा के ग्रामीण नाराज थे। देवेंद्र माझी के आह्वान पर पारंपरिक हथियार के साथ जुटे लोग। इन तीनों मामलों को लेकर चक्रधरपुर में उस वक्त के पूर्व विधायक देवेंद्र माझी अब स्वर्गीय के आह्वान पर सारंडा कोहलान व पोड़ाहाट रिजर्व वन क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों ने सितंबर 1980 की सुबह से ही गोवा में वन विभाग एवं इको प्रबंधन के पारंपरिक हथियारों के साथ संगठित होने लगे। आंदोलनकारियों की मांग थी कि जंगल की कटाई के नाम पर फर्जी मुकदमे कर जेल भेजे गए लोगों को रिहा करो, फर्जी मुकदमा वापस लो, लाल पानी खदानों से नदी नालों व खेतों में छोड़ना बंद करो आदि मांगों को लेकर वन विभाग तथा इसको प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी व भाषणबाजी होती रही। स्थिति विस्फोटक हुई तो लगाया धारा 144। इस आंदोलन की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए गोवा में धारा 144, बीएमसी व बिहार पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। आंदोलन में पूर्व विधायक बहादुर उराव, झामुमो नेता भुवनेश्वर महतो, सुखदेव बहत, सुलापूर्ति आदि आदिवासियों के दर्जनों प्रमुख नेता शामिल थे। सभी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पूर्व विधायक देवेंद्र माझी के आने का इंतजार आंदोलन स्थल पर कर रहे थे, लेकिन वे वहां नहीं पहुंच पाए थे। इस बीच आंदोलन व नारेबाजी वन विभाग इसको प्रबंधन के खिलाफ तेज होता रहा। आंदोलनकारी वन विभाग के कार्यालय की तहत पारंपरिक हथियार के साथ बढ़ रहे स्थिति को सामान्य व नियंत्रित आदिवासियों के नेता भुवनेश्वर महतो को बीएमसी जवानों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद स्थिति विस्फोटक हो गई और नारेबाजी के साथ भड़काऊ बयानबाजी भीड़ ने तेज कर दी। झारखंड अलग राज्य अर्थात झारखंड आंदोलन वनवासियों का अधिकार एवं गोवा खदान से निकलने वाले लाल पानी से प्रभावित व बंजर हो रही खेतों को नुकसान पहुंचाने से रोकने आदि मांगों से जुड़ी घटना का उदाहरण है गोवा का गोलीकांड। 8 सितंबर 1980 को हुए इस गोलीकांड में दर्जनों आदिवासी आंदोलनकारी व 5 बीएमपी बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान शहीद और दर्जनों घायल हुए थे।
लेकिन आज भी गोवा गोलीकांड से जुड़ी शहीद वेदी पर मात्र 10 ही शहीदों का नाम दर्ज है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1980 के दशक में झारखंड आंदोलन के नाम पर सारंडा के जंगलों की भारी पैमाने पर कटाई सारंडा के बाहर से आए लोगों द्वारा निरंतर की जा रही थी। जंगलों को मैदान बनाकर उस वन भूमि पर कब्जा करने का कार्य चल रहा था। वन विभाग निर्दोषों को भेजने लगा जेल। इसके खिलाफ गोवा वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए इस अभियान में शामिल लोगों समेत कुछ निर्दोष लोगों को भी पकड़कर जेल भेजना प्रारंभ कर दिया था। हालांकि उस समय झारखंड अलग राज्य को लेकर पूरे राज्य में व्यापक आंदोलन चल रहा था, उसी समय ये कार्य भी सारंडा के झारखंड आंदोलन के नाम पर जारी था। इसके खिलाफ वन विभाग की ये कार्रवाई ने आग में घी डालते हुए दोनों आंदोलनों के अलावे उस समय की इसको की गोवा खदान, जो कि अब सेल से निकलने वाली लाल पानी से सारंडा के गांव की खेत तथा नदी नाले प्रदूषित हो गए थे। देवेंद्र मांझी के आह्वान पर पारंपरिक हथियार के साथ जुटे लोग। इन तीनों मामलों को लेकर चक्रधरपुर के उस वक्त के पूर्व विधायक देवेंद्र मांझी के आह्वान पर सारंडा कोलान व पोड़ाहाट रिजर्व वन क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों ने 8 सितंबर 1980 को सुबह से ही गोवा में वन विभाग एवं इसको प्रबंधन के खिलाफ पारंपरिक हथियारों के साथ संगठित होने लगे। आंदोलनकारियों की मांग थी कि जंगल कटाई के नाम पर फर्जी मुकदमा कर जेल भेजे गए लोगों को रिहा करें, फर्जी मुकदमा वापस लो, लाल पानी खदानों से नदी नालों व खेतों में छोड़ना बंद करो आदि मांगों को लेकर वन विभाग तथा इसको प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी व भाषणबाजी होती रही। भीड़ ने बीएमसी जवानों पर तीर चलाया तो चली गोली। उत्तेजित भीड़ ने बीएमपी जवानों पर तीर चलाया तो चली गोली। उत्तेजित भीड़ में से कुछ लोगों ने बीएमपी जवानों को निशाना बनाकर तीर चलाया। इसमें 5 जवान शहीद हो गए। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। इसमें दर्जनों आंदोलनकारी घायल हो गए। उन्हें गोवा अस्पताल में इलाज हेतु ले जाया गया। इस बीच बीएमपी जवानों को पता चला कि घायल आंदोलनकारी गोवा अस्पताल में इलाज हेतु गए हैं, तो सभी वहां पहुंचकर घायलों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इससे दर्जनों आंदोलनकारी मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए थे। इस घटना के बाद लगभग 3 वर्षों तक सारंडा क्षेत्र में दहशत और आक्रोश व्याप्त रहा, लेकिन बाद में पूर्व सांसद कृष्ण मार्डी ने इसको प्रबंधन की इजाजत के खिलाफ गोवा बाजार में शहीद स्थल का निर्माण कराया। तब से गोवा में शहीद दिवस मनाने का सिलसिला जारी है।